बना रहे हो ना, कैसे ही चल रहा है, पता नहीं है क्या कर रहे हो।
ठीक है, इनको लग रहा है कि आप इनके करा देते हैं एक एक एग्जाम्पल्स, ठीक है एग्जाम्पल्स करा देते हैं इनके। डू नॉट बंक द क्लास, डू नॉट बंक द क्लास से बोल मत मारो, क्लास से मत मारो, ठीक है। तो इसका बनेगा किसे बनेगा, अभी अगर आया था डू नॉट का लेट प्लस ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वर्ब, तो डू नॉट का बनेगा लेट से लेट प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट इन क्लास प्लस नॉट प्लस बी प्लस नॉट और बंकेट बंकेट ओपन द डोर, ओपन द डोर लेट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट द डोर प्लस बी opened और देखते हैं आपको इसका ही कहे वॉच योर फेस, लेट योर फेस बी वॉशेड, ठीक है ये हो गया आपका। प्लीज प्लीज कट इट लेट, प्लीज यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट नहीं बनता, लेट बनाना था मैं नहीं, प्लीज और कहने यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर requested to plus this verb cut it, cut it is not clear ज़्यादा ध्यान रखना to cut it, ठीक है। let me play chess, let वाले let let me play chess, तो let चेस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लेट चेस बी प्लेयर आई को बाई लगा के लैट वाला कराया था लेट लेट से लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस बाई लगाकर फिर बात, ठीक है ये वाला था। तो लेट मी प्ले चेस, तो लेट चेस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बी टेक प्लेयर बाई लगाकर सेफ वर्क क्या आएगा मी, मी का आएगी सेफ वर्क मी, ओके अंडरस्टैंड आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट टॉपिक आता है नेक्स्ट पार्ट में संदेश के लिए इंपरेटिव है दोर करा देते दैट वाले और गोइंग टू प्लस वन फर्स्ट फोर वाले, हाँ गोइंग टू प्लस वन फर्स्ट फोर और दैट वाले, ठीक है तो ही कराता हूँ इसको आपके लिए। इसको लिख लिया एक बार और समझाना है क्या, चलो एक बार और समझा डू नॉट बंक द क्लास,
तो डू नॉट वहाँ लेट द क्लास नॉट बी कंप्लीट, इसका सूत्र है लेट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट नॉट बी परस्पर, ओपन द डोर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस परम थर्ड, लेट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बी परम थर्ड, ठीक है। वॉट्स योर फेस, इसका भी यही सेम सूत्र है, लेट योर फेस बी और वॉट्स का ऑब्जेक्ट, प्लीज कैंडिडेट का यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोटेक्ट फेस वॉक, लेट मी प्ले चेस, अभी बताया है आपको सूत्र भी लिख रहा है ऊपर, ठीक है। ये हो गया आपका, आज ये खत्म करना है, वैसे बहुत आज खत्म है आपका, इसी पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री तीन है आपके पास यूट्यूब पर डले हुए हैं, दो और हैं उनको भी करा देते हैं, अभी दो और हैं बस, उसके बाद आपको वैसे कोई कंप्लीट है। गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट, गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में गोइंग टू जैसे का तैसा, गोइंग टू को जैसे का तैसा या क्यों का क्यों, क्यों का क्यों लिखते हैं। ऐसे में गोइंग टू को जैसे का तैसा जो का क्यों लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका है, इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को तो भैया बने ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस डॉट 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 फिफ्टी और वाई लगाकर सब्जेक्ट, इस डॉट का मतलब कि जो बीच वाले वाक्य में आ जाते हैं ना अगर वो डब हुए इस डॉट का मतलब, ठीक है। डॉट वाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू ओपन, आई एम गोइंग टू ओपन ए स्कूल, आई एम गोइंग टू ओपन ए स्कूल, ए स्कूल ऑब्जेक्ट, ए स्कूल इज आर एम से इज इज गोइंग टू, गोइंग टू बी ओपनड स्कूल आ गया, गोइंग टू आ गया, इज आ ही गया, टू आ गया, ओपन बी लगा के ओपन आ गया, ओपन ओपी ओपन आएगा ओपन, और कुछ चीज बच नहीं रहा डॉट डॉट का मतलब, और कुछ चीज नहीं रहा तो वाई प्लस सब्जेक्ट, वाई का यानी कि मी, वाई यानी कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाई प्लस वाई का क्या हो जाएगा, वाई नी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया इसका आंसर, और ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है। ही वाज गोइंग टू विजिट बाई ए कार, ही वाज गोइंग टू बाई ए कार, he was subject helping verb going to आ गया, भाई माने खरीदा ये काव, इसको ये काव बोल, ठीक है।
या भी मेन वर्ब, एक आओ, एक आओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये यहाँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस डाइटिंग वर्ड प्लस कोलिंग टू प्लस बी प्लस फॉर्म थर्ड और डॉट डॉट और बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें एक आओ ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ड क्या है कि काओ के लिए, काओ एक वचन ही, एक आओ, एक आओ, एक गाय की बात, एक गाय की बात कर रहा है वो, एक गाय की। तो वॉच, गोइंग टू जैसे का तैसा, गोइंग टू जैसे का तैसा, गोइंग टू भाई, गोइंग टू के बाद में क्या आएगा आपका, बी आएगा भाई, बी, गोइंग टू बी, बी के बाद में क्या आएगा, वर्ब थर्ड ढूंढो भाई, गाय की वॉट, बी ओ यू बी एच टी, वॉट, वॉट के बाद में आपका कुछ बचता है क्या, बचता है भाई, क्या बचता है, और अपना ये बचता है सब्जेक्ट, इसको भाई लगा कर ठीक है, क्या हो जाएगा, चलो यहाँ तक हो गया आपका, चलो यहाँ तक इसको एक और समझ लो, यहाँ तक समझ लो, फॉर्मूला है आपका पैच गोइंग टू से गोइंग टू प्लस वन प्लस बराबर प्लस ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में पैसिव बनाते समय गोइंग टू को जैसा अगर तैसा जो का जो लिखते हैं, फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब, अगर वाक्य में बाई यानी बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले कुछ चीज बनता है तो उसको यहाँ पहले लिखते हैं, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू ओपन ये स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब, ये सूत्र आना चाहिए, ये सूत्र कुछ सब हो जाते हैं, लेट इंपरेटिव वाले में सूत्र, इसलिए वो सूत्र ऐसा ही बैठता है, उसमें भी सूत्र है आपका, ठीक है, टेंशन की जरूरत तो नहीं है, जो जो सूत्र कर लेगा यार ना उसका 100% सही है, और जिसको सूत्र याद नहीं है तो उसको कितना ही बढ़ा लो, कितना ही समझा लो, वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेन मेन बात होती है अपने सूत्रों में होती है और कुछ नहीं है, ठीक है। राइट प्लस सब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू ओपन ए स्कूल, मैं एक स्कूल खोलने जा रहा हूँ, मेरे द्वारा, आई एम गोइंग टू मेरे द्वारा एक स्कूल चाहता हूँ, ठीक है, और किसी द्वारा, ए स्कूल इज गोइंग टू बी ओपन एट, ए स्कूल जा रहे हैं मैं से, एज गोइंग टू जैसे का तैसा, टू के बाद में बी, ओपन की ओपन, बाई आई का क्या हो जाएगा, मे, ही वाज गोइंग टू बाई ए कार, वो एक कार खरीदने गया था, ए कार वाज गोइंग टू बी बॉट बाई हिम, उसके द्वारा एक कार खरीदी गई, वो कार खरीदने गया था, उसके द्वारा एक कार खरीदी गई, ठीक है, यहाँ तक हो गया, Are you going to make a mistake? That's what happened. Are you going to make a mistake? ठीक है भाई, किससे शुरू से जा रहे हैं? आर और एम की बात कर रहा है, इसमें क्या आएगी, आर यू के लिए क्या आएगी, आर मेक ए मिस्टेक, मिस्टेक के लिए क्या आएगी हमें, कोई कहेगा सर एच, कोई कहेगा आर, कोई कहेगा एम, अरे भाई एम तो आई के साथ आती है, एम किसके लिए आती है, आई के साथ, तो ये मिस्टेक, सॉरी सॉरी, हाँ हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ तो अपना भी हेल्पिंग वर्ड से हुआ, ये मिस्टेक के लिए आएगी अपना एच, ये मिस्टेक, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया, अब आपका है गोइंग, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, पहले आ गई ऑब्जेक्ट, बाद में गोइंग टू ये आ गया, प्लस बी प्लस बी प्लस थर्ड वर्ब क्या आएगी, मेकेड, मेकेड क्या बचा भाई, यू, अब हम कहाँ सो में,
ये हो गया आपका, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, इसको ढंग से सीख लिए ना, गोइंग टू प्लस और फर्स्ट फॉर्म वाले प्लस और फिर वाले वाले के लिए। हाँ नहीं तो रह जाओगे ऐसी, ठीक है। ये हो गया आपका, अब है दैट वाले का। आज कैसे कोई खत्म है, दैट से जुड़े वाक्यों का दैट। That से जुड़े वाक्यों का पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इसको शुरू कर रहे हैं इट इज, इट इज दैट से पहले, यानी कि दैट से जुड़े होने के बाद के तो इट इज दैट से पहले लगाते हैं, ठीक है। और दैट के तुरंत बाद, दैट के तुरंत बाद, दैट के तुरंत बाद क्या लगाएगा आपका, अरे भाई दैट के तुरंत बाद जैसा वाक्य दिया है वैसा ही आएगा। दैट के तुरंत बाद जैसा जैसा वाक्य हो वैसा ही आएगा। दैट के बाद जैसे कम ऐसा क्या है ना, जैसे वाक्य वैसा ही आएगा। अभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल लिखते हैं हम उसका। पीपल से दैट ही वॉज ए थीफ, लोगों ने कहा उसको, यानी एग्जाम्पल पीपल, पीपल से दैट लोगों ने कहा वो एक चोर था, ही वॉज ए थीफ। तो इट इज वाक्य शुरू करते होगा इट इज से, इट इज वर्ब थर्ड, इट इज से की क्या हो जाएगी सैड, दैट ही वॉज ए थीप। तो ही वॉज ए थीप, यानी कि दैट के तुरंत बाद वाले वाक्य में जैसा है वो वैसे का वैसे ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। ये बताया ना, पीपल है संबंध, संबड़ी एवरीवन एवरीबडी, ये कैसे अनावश्यक करता हूँ, इसीलिए किससे शुरू किया प्रयोग किया हमने इट इज से, ठीक है। वी होप दैट, क्वेश्चन ये को समझ लीजिए, वी होप दैट, वी होप दैट, यानी दैट के इधर वाले ही वाक्य बनाना है, वैसे इधर वाले का ही वैसे बनेगा, इधर लेफ्ट साइड वाले का ही वैसे बनेगा, राइट साइड राइट वाले का वैसे नहीं बनेगा, ठीक है। पीपुल वी होप दैट दे विल टर्न डाउन, they will turn
down. ठीक है, they will turn down up. तो क्या बन जाएगा, it is a orbit. और की क्या हो जाएगी परफॉर्म, इट इज ऑपेड, इट इज ऑपेड, इट इज ऑपेड दैट दे विल कहा है दे विल टर्न डाउन ठीक है, इट इज ओपन दैट दे विल टर्न, दे यहाँ से कोई चेंज नहीं किया हमने, दे विल टर्न डाउन द, दे विल टर्न डाउन द दैट के बाद में कोई चेंज नहीं, दैट से पहले राइट साइड में अपना चेंज है, इट इज ओपन, इट इज प्लस वन थर्ड प्लस दैट, इससे पहले बात पहले लगाते हैं, दैट से पहले, पहले का इधर प्रारंभ में, पहले से अर्थ निकालना प्रारंभ, प्रारंभ में ठीक है, दैट के तुरंत बाद, यानी कि दैट के तुरंत बाद में कोई जैसा वाक्य वैसा ही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते ठीक है, पीछे से दैट ही वाज अ थीफ, इट इज सैड एक बार फॉर दैट दैट ही वाज अ थीफ, ही वाज अ थीफ, ही होप दैट दे विल टर्न डाउन द डाउन द, तो इट इज होप की होपेड, सब्जेक्ट में कोई मतलब नहीं है अपने को, जब दैट आ गया तो इट इज से चालू होगा और इट इज प्लस वर्ब थर्ड और दैट बस बन गया, ये दैट वाले में इट इज प्लस वर्ब थर्ड और दैट, इट इज प्लस वर्ब थर्ड और दैट, ये याद रखना बाकी को, बाकी का जैसा है वैसे खोखो बन गया, पीछे वाला तो सेम है, जरूर परिवर्तन ही नहीं है ना, दिक्कत का ही हो रही है, ये सिंपल था बस, आपके यहाँ पैसे बहुत खत्म हो गए, और नेक्स्ट वीडियो में बताना आपकी कमेंट में, तो सब्सक्राइब से नहीं है कुछ भी तो पता नहीं कमेंट नहीं करता कोई लाइक ही नहीं कुछ बोले, और मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, कनेक्टिव होगा चालू, नेक्स्ट वीडियो कनेक्टिव, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्या आएगा आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करवाएंगे, ओके चिल्ला रही है जैसे।